नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। हैदराबाद डॉक्टर कांड को लेकर पूरे देश का खून खौल रहा है, लेकिन विडंबना है कि ऐसे माहौल में भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बर्बरता की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता कि देश के किसी कोने में किसी बच्ची, युवती या महिला के साथ ऐसी वारदात ना होती हो। ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश की है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्नाव जिले में जमानत पर रिहा होकर आए गैंगरेप के दो आरोपियों ने गुरुवार कल सुबह अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप पीड़िता को पहले तो मारा पीटा और चाकू से हमला किया। उसके बाद बहशीपन की सारी हदें पार कर उसे जिंदा जला दिया। पीड़िता 90% तक जल चुकी थी। उसे लखनऊ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीड़िता को दिल्ली में किसी बड़े अस्पताल में भेजा जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता का इलाज सरकारी खर्च पर कराए जाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। फिलहाल इस मामले में सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में गौरा मोड़ के पास गुरुवार को सुबह तड़के गैंगरेप की पीड़िता अपने मुकदमे की तारीख पर रायबरेली के लिए ट्रेन पकड़ने जा रही थी। इस बीच गैंगरेप के दो आरोपियों ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर अचानक पीड़िता पर हमला बोल दिया। उन्होंने पीड़िता पर लाठी, डंडे और चाकू से कई बार वार किया। हैवानियत के नशे में चूर आरोपित इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने पीड़िता पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। आग लगने से पीड़िता चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद घटनास्थल पर आसपास के लोग पहुंचे। लोगों की भीड़ को आता देख सभी आरोपित वहां से भाग निकले। मामला 2018 का है। मार्च में युवती ने गैंगरेप की FIR दर्ज कराई थी। इसके अनुसार गांव के रहने वाले शिवम त्रिवेदी से उसका प्रेम संबंध था। शिवम ने उसका रायबरेली ले जाकर रेप किया, वीडियो बनाया, इसके बाद लगातार रेप करता रहा। शादी का दबाव बनाया तो रायबरेली ले जाकर एक कमरे में रख दिया, यहां नजरबंद कर दिया। इसके बाद 12 दिसंबर 2018 को आरोपी शिवम अपने साथी शुभम त्रिवेदी के साथ आया। दोनों मंदिर में शादी करने के बहाने ले गए और गैंगरेप किया। बिहार पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी शिवम त्रिवेदी और शुभम त्रिवेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस बीच पीड़िता युवती के परिजनों पर मुकदमा वापस लेने का लगातार दबाव बनाया गया, लेकिन परिजन मुकदमा वापस लेने को तैयार नहीं हुए। जेल में बंद मुख्य दो आरोपी 2 दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटे थे। जेल से जमानत पर छूटने के बाद आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के सहयोग से खौफनाक कांड की साजिश रच डाली। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।